Assalamu alaikum students. In this video we will be talking about the basics of percentage. So initially sabse pehli baat to ye hai isme ki percentage kya hoti hai. Ye koi unique cheez nahi hai, koi bahut aisi cheez nahi hai jo aapne kabhi padhi nahi ho. Ye basically ek fraction ya decimal ki tarah hai. But isme farq kya hai? The only difference is ki aisi fraction ya decimal जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 बना दिया जाए उसे परसेंटेज कहा जाता है. अब इसका क्या मतलब है इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ. जैसे बेटा हमारे पास एक लेट सपोज इफ दैट्स अ सर्कल और इस सर्कल में कि अगर मैं चार इक्वल पार्ट्स कर दूं और उन चार इक्वल पार्ट्स को में से मैं एक पार्ट को कंसिडर करूं तो आप सबका ये जवाब होगा. अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी फ्रैक्शन क्या है तो मोस्टली आप सबको पता होगी कि वो फ्रैक्शन में इसको हम कहेंगे 1/4 कि हमने टोटल चार में से एक हिस्से को सिलेक्ट किया हुआ है. सो दिस विल बी लाइक 1/4 एंड इट्स डिनोमिनेटर इज 4 ओवर हेयर. बट अगर मुझे इसी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो परसेंटेज में इसको चेंज करने के लिए इसका जो डिनोमिनेटर है 4 जी बेटा तो इसे मुझे चेंज करना पड़ेगा इनटू 100. अब आप मुझे बताइए कि 4 को 100 में चेंज करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा. जी तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा विद 25. सो बेसिकली यही इसके अंदर लॉजिक है कि हम एक ऐसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं जिसका डिनोमिनेटर 100 हो एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द सेम फ्रैक्शन. वो इसी को जब आपको पता है कि अगर एक फ्रैक्शन को सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया जाए तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यानी मैं अगर इसे मल्टीप्लाई विद 25/25 कर दूँ तो मेरे पास जो ये नई फ्रैक्शन आएगी दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द फ्रैक्शन 1/4. तो बेटा बस अभी हमने इसी को फर्दर सॉल्व करना है. 1 और 25 मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास 25 आ जाएगा और अपॉन में हो जाएगा 4 25 100. सो ये अब आपको एक और चीज़ इसमें बताऊंगा बेटे कि ये जो अपॉन में जो 100 है ये अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको ये किसके बराबर होता है. आपने सिंबल परसेंट देखा है. इस परसेंट के को अगर हम ध्यान से इसको गौर से जो है पढ़ें तो ये बेसिकली दो लफ्ज़ों से बना है और वो दो लफ्ज़ क्या हैं पर और सेंट. पर का मतलब होता है डिवाइड यानी ये स्लैश साइन या डिवीजन साइन को रिप्रेजेंट करता है और सेंट किसे रिप्रेजेंट करता है बेटे. सेंट रिप्रेजेंट करता है 100 को. सो ये जो डिवाइड में 100 है इसी की जगह हम लिख देंगे ये सिंबल परसेंट. सो ऐसे आया है हमारे पास ये परसेंट. ठीक है. सो इससे एक रूल तो आपको समझ में आया होगा कि जब कभी फ्रैक्शन हो उसका हम डिनोमिनेटर जब 100 बना देंगे तो वो 100 वाला डिनोमिनेटर है उसकी जगह परसेंट सिंबल आ जाता है. एंड इट इज़ नथिंग न्यू. ये सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ते आए हैं बस हमने क्या किया थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करके एक चीज़ देखी. अच्छा अब हर दफ़ा ये सोचना कि 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी और नंबर से कि ये 100 बने इससे ज़्यादा ईजी स्टेप्स ही होते हैं कि हम क्या करें. हम जैसे हमारे पास ये 1/4 था मैं इसी का एक ऑल्टरनेट मेथड ये कर सकता हूँ कि 1/4 को मैं 100/100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ. इससे ये होगा कि मैं इतने सेक्शन को सॉल्व कर लूँगा और ये जो डिवीजन वाला 100 है ना इसे मैं छोड़ दूँगा. ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं छोड़ दूँगा ऐसे ही. तो इससे क्या होगा कि मैं जब आंसर लिखूँगा तो मैं इसको सॉल्व करने का 4 1s are 4 25s are 25 1s are ऊपर आ गया 25 अपॉन में 100 ही रहा और अब ये जो अपॉन का 100 है इसकी जगह मैं लिख दूँ 25%. और फिर इसके साथ ही एक रूल बना बेटे. अब वो रूल क्या है कि मैं ये 25 ये जो अपॉन वाला 100 है इसको मैं भूल जाता हूँ
अब मैं डायरेक्टली सॉल्व इस तरह से करता हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी फ्रैक्शन है तो उस फ्रैक्शन को मैं सिंपली मल्टीप्लाई विद 100 करूँगा, तो मेरे पास बन जाएगा परसेंटेज, क्योंकि मैं उसके साथ परसेंट का सिंबल लगा दूंगा, ठीक है। और इसी तरह फ्रैक्शन हो, अच्छा फ्रैक्शन और डेसिमल में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, यानी डेसिमल हो तब भी उसे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, हमारे पास परसेंट में आ जाएगा। और इसी का रिवर्स क्या है कि अगर मैं परसेंटेज को डिवाइड बाय 100 करूँगा तो फ्रैक्शन बन जाएगी, ठीक है। ये रूल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आपको इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और उसमें हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल सॉल्व करेंगे इसकी। स्टे ट्यून्ड।